हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर है विराम चिन्ह, वो करेंगे और साथ में हम कुछ वर्तनी भी करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इनकी विराम चिन्हों की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बीच में रुक रहा हूँ, ठीक है, तो हर सेंटेंस के बाद एक प्रॉपर मतलब जैसे ब्रेक जो लिया जाता है रुकने के लिए, वो कितना जरूरी है, कितना कम कितना ज्यादा, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग होते हैं और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होती है, दो बिंदी लगा दी जाती है, ठीक है, और है की साउंड देता है जब भी हम बोलते हैं। तो किसकी साउंड देगा, है जैसी साउंड देता है कोई भी नाम, मतलब ठीक है। जैसे ये वर्ड है काक और विसर्ग लगा दिया तो काक है, ठीक है, कौवा। तो इस प्रकार से विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब क्या होगा, एक सीधा डंडा मतलब लगाया जाता है पूर्ण विराम के लिए। पूर्ण विराम का मतलब है पूरी तरह से रुकना, ठीक है। कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, कोई वाक्य पूरा हो जाता है, तो उसके बाद एक बार हमें रुकना पड़ता है। फिर उससे उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, पूर्ण विराम से मतलब आधे से थोड़ा कम समय लगता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में मतलब इंग्लिश में जैसे कोमा बोलते हैं, ठीक है, तो ये होता है अल्प विराम। अब है एक अर्ध विराम। अर्ध विराम में एक बिंदी और नीचे कोमा आता है भाई, ठीक है। तो अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम यानी कि पूर्ण विराम का लगभग आधा टाइम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा समय लगाना पड़ता है। इसके बाद अब ये अपूर्ण विराम या उपविराम विसर्ग की तरह से ही होता है भाई, ठीक है। अब यहां तो किसी अक्षर के साथ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन कई बार हम एक सेंटेंस के बाद दो बिंदी लगा के छोड़ देते हैं तो उसको अपूर्ण विराम या उपविराम बोलते हैं। इसका मतलब है सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद है विस्मय सूचक। कोई हैरानी की बात होती है, ठीक है, या खुशी की बात होती है, उसके बाद में लगाया जाता है। इसके बाद है निर्देशक। थोड़ा सा लंबा डंडा होता है भाई, ठीक है, निर्देशक बोलते हैं भाई, ठीक है, निर्देशक। इसके बाद है निर्देशक, जैसे कोई सेंटेंस है उसके बाद हम जैसे लाइन लगा के छोड़ देते हैं, इसका मतलब आगे हमारे इसके अंदर डिटेल लिखने वाले हैं। योजक। योजक क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ता है भाई, ठीक है। जैसे माता पिता वर्ड लिखा, ठीक है, तो माता पिता, तो बीच में दो को जोड़ने का काम कौन करेगा, योजक। रेखांकन। रेखांकन किसी सेंटेंस में हम अंडरलाइन कर देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखांकन बोलते हैं। एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन इसमें से। फिर है लोप चिन्ह। जैसे फिल इन द ब्लैंक सुने होंगे, तो उसके अंदर सेंटेंस के बीच में जो डॉट लगी होती है उसको बोलते हैं ये लोप चिन्ह। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वास्तव में तो ये ऐसे होता है चिहन, ठीक है, और इसको हिंदी में लिखा कैसे जाता है करके इसके अंदर न लगा दिया भाई, क्या लगा दिया, चिहन बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हम बात करते हैं ब्राह्मण लिख रहे हैं भाई, बे रे नीचे आ गया तो बाद में लगेगा क्योंकि यहां पे बे क्या है, आधा। इसको यदि मैं खोल के बताऊं तो ये लिखा जाएगा बे रा है मैं ने, ऐसे लिखना है। तो इसका प्रॉपर जो लिखा जाएगा तो ये ब्राह्मण है के अंदर छोटा मैं का एक डंडा लगता है, तो फिर ये अण है ब्राह्मण, ठीक है। जैसे ब्रह्मांड लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, है के अंदर मैं। अब यहां पे माँ है तो एक बिंदी और लग गई, ठीक है, और आधा अण और डे, ये ब्रह्मांड हो जाएगा भाई। इस प्रकार से मतलब ये लिखे जाते हैं के अंदर न लगाना है तो केवल ऐसे लगा के छोड़ दो, मैं लगाना है तो मैं लगा के एक डंडा और लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां आ की मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोक्स, जिसको ओब्लिक बोलते हैं, ठीक है, ओब्लिक बोलते हैं उसको। जैसे मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया या फिर ऐसे लिख दिया, प्रोक्स। इसके बाद है विवरण। विवरण या आदेश चिन्ह के अंदर क्या होता है, दो बिंदी लगाकर और आगे डैश लगा दी जाती है भाई, ठीक है। फिर लाघव। लाघव कहां, जैसे हम बात करते हैं डाकखाना लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है,
डॉक्टर लिखते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे ये छोटी बिंदी लगा दी जाती है। तो अब ये देखिए डॉक्टर और डाकखाने में भी अंतर है, ठीक है। ऊपर जब आगम ओ लगा होता है तो ये मतलब डॉक्टर है, अदरवाइज ये डाकखाना होता है, ठीक है। तो लाघव होता है भाई, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने के काम आता है। इसके बाद कोष्टक, कोष्टक होती है ब्रैकेट्स वगैरह, जैसे ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, कोष्टक बोलते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद है इकहरा उद्धरण, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा होता है भाई, सिंगल इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे किसी चीज को आपने पॉइंट आउट करना है ना, या किसी किताब का नाम लिखना है, वो आ जाएगा। फिर है दोहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण का मतलब होता है डबल इन्वर्टेड कोमा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी की स्पीच कही हुई जो होती है ना, जैसे हम नरेशन करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक का मतलब होता है भाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद ये उल्टा वाई की तरह दिखाई दे रहा है, हंस पद या त्रुटि पूरक बोलते हैं इसको। ये जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा उसके अंदर कोई अक्षर रह जाता है ना, तो जैसे उसके बीच में लिखा जाता है भाई, ठीक है। कोई मतलब सेंटेंस के बीच से अक्षर रह गया तो ऐसा निशान देके उसके नीचे मतलब लिखा जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद कुछ है वर्तनी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे के कई ऐसे लिखा जाएगा भाई, कई कई होता है ये, ठीक है। इसके बाद ऋषिकेश बोलते हैं, तो वो है के नीचे री पैवाड़ा से बड़ी ई की मात्रा ऋषिकेश। शुद्धिकरण, ये आधा दया है भाई और बड़ी ई की मात्रा आएगी शुद्धिकरण। मेघनाथ नहीं होता, मेघनाद होता है भाई, ठीक है, बादलों की तरह गरजने वाला। आशीर्वाद ऊपर का रह जो है वो हमेशा पहले बोला जाता है। तो रह दो प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण रह हो गया, और जैसे किसी चीज के ऊपर रह लगा हुआ है ना, तो ये आधा रह है भाई, जिसको रेफ रह बोलते हैं। कौन सा रेफ रह, पहले बोला जाएगा कह रह मैं करम, और एक ये है तो नीचे वाला रह पूरा होता है, ठीक है। इसको हम यदि ब्रेक करें तो ऐसे लिखा जाएगा करम, तो नीचे वाला रह पूरा होता है और ये बाद में बोला जाता है भाई, ठीक है। इसको पदेन रह बोलते हैं, इसको रेफ रह बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसके बाद आशीर्वाद, तो देखिए कई यहां लगा देते वो आशीर्वाद बन जाएगा, तो वो ऐसे नहीं करना है। उज्जवल में दोनों आधे जाएंगे। दवाइयां, दवाइयों में देखिए छोटी ई आएगी, बड़ी ई नहीं आती। यदि ये मिलता है तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज यहां पर चंद्र बिंदु भी मिल सकता है। ब्राह्मण शब्द मैंने आपको पहले भी लिख के दिखा दिया है, वाल्मीकि शब्द लिख दिया है मैं जो है उसको बड़ी की और छोटी ई की, ठीक है। बीमारी दोनों बड़ी मात्रा आएंगी, दिवाली में दोनों बड़ी मात्रा आएंगी, सन्यासी बिंदी भी आएगी और आधा न भी, क्योंकि एक सन और न्यासी। बिंदी कैसे लगती है भाई, जैसे हम बात करते हैं एक शब्द लिख के देखते हैं गंगा, तो गंगा जब हमने लिखा तो वास्तव में जो बिंदी है ना, इससे आगे वाला अक्षर से पहले बोली जाती है, और इससे आगे अक्षर क्या है गय, तो गय किस लाइन का है, उस लाइन का पंचम वर्ड के नाम से, जैसे संस्कृत में ऐसे लिखा मिलेगा आपको ये गंगा, ठीक है, गंगा। और हम मतलब देखिए इसको गंगा मतलब जब बोलेंगे तो पहली लाइन का पंचम वर्ड कै खै गै घै गै होता है, गै होता है, अड़े नहीं होता, ठीक है। जैसे कपड़ा में शब्द लिखना है ना, तो ये अड़े टै ठे डे जो होता है ना, इसके दो और भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाला अड़े जो होता है कपड़े के साथ लगा होता है, ये तो कै खै गै घै गै होता है, पंचम वर्ड की बिंदी लगी है भाई, ठीक है। जैसे एक शब्द है संबंध, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सोच के देखिए कि सह पे बिंदी है तो बाद में बोला जा रहा है मैं, और मैं बे वाली लाइन का पंचम है, पै फै बै भै मैं के नाम की बिंदी है ये, बै के ऊपर जो बिंदी इसके बाद में बोली जाएगी तो उसे आगे वाला अक्षर क्या है धै, तो धै है तो तै थै दै धै नै, पंचम वर्ड की जो मतलब है बिंदी लगी है भाई ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिंदी लगती है। इसके बाद कैलाश शब्द देखिए, मैक्सिमम बच्चे मतलब गलत करते हैं, तो ये कैलाश ये वाला से आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे बर्तन शब्द है,
बर्तन ऐसे लिखा जाएगा तद्भव शब्द में, ठीक है। जब आप ऐसे बर्तन लिखते हैं ना तो ये आपका हिंदी की दृष्टि से गलत है, संस्कृत की दृष्टि से ये मतलब ये तत्सम है, ये तद्भव है, और तद्भव का मतलब हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंपॉर्टेंट डाटा था, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। और हाँ एक चीज और, जैसे कई जगह आपको है ना बिंदी ऊपर लगी मिले ना, तो उससे आगे अब यहाँ पे आपकी चॉइस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अब जैसे कोई बिंदी है, ठीक है, अब सन्यासी, सन्यासी की बात करते हैं हम, या कोई और ऐसा शब्द कि बिंदी से आगे, जैसे यहां बै की बजाय यह होता तो यह रह ले वह, तो ये मतलब क्या नहीं हो सकती, इसकी बिंदी नहीं लग सकती भाई, ठीक है। तो उसकी बिंदी नहीं लग सकती, वो आधा अक्षर ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका पंचम वर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो आधा अक्षर मतलब लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने सन्यासी के अंदर ये बिंदी जो लगाई है, यहां बीच में आएगा न, और इस न के लिए पंचम वर्ण लग गया, लेकिन ये न जो है इसके नाम की बिंदी नहीं लगा सकते हम, क्यों, क्योंकि इसके बाद में यह आया है, और यह का पंचम वर्ड, यह वाली लाइन का पंचम वर्ड न नहीं होता, तो उस अक्षर की कभी भी आपको ऊपर बिंदी नहीं लगानी है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आज विराम चिन्ह और वर्तनी के अंदर इतना ही रहेगा। और वर्तनी शब्द कैसे लिखा जाता है, वर्तनी, ठीक है, वर्तनी शुद्ध शब्द मतलब जो बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।